इतने बड़े बड़े पाव है यार यहाँ पे। वाह, यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है पूरा। 10 रुपए का प्लेट चार, और एक चपटी मिलती है यहाँ पे, सूखी को चपटी बोलते हैं। खट्टी तीखी लगती है इसलिए बेहतरीन लगती है ना, खट्टी और तीखी। हर बार आते थे ऐसा जाने का थोड़ा खुशी रहता था, इस बार थोड़ा ऐसा लग रहा है और रुक जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिन की जो है शुरुआत हो चुकी है, सुबह सुबह 7 बजे पापा ने मेरे को उठा दिया ये बोल के कि सुबह उठ जाओ, थोड़ा सा विटामिन डी ले लो, थोड़ा सा अच्छी सुबह सुबह की धूप ले लो। ऑपरेशन हुआ है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ऐसे बोल के मेरे को उठा दिया है। मम्मी ने मेरे को बोला सुबह सुबह उठा दिया ना तेको ऐसे करके, पर ठीक है चलो अच्छे के लिए उठाएं। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घर के आ गया है कड़ी पत्ते तोड़ने के लिए। कड़ी पत्ता यहाँ पे झाड़ है बहुत बड़ा यार, यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे पेड़ है, अंदर जाना पड़ेगा। कितना बड़ा कड़ी पत्ता का झाड़ है बाबा रे। एलोवेरा देखो कितना मस्त है यार। कड़ी पत्ता शॉपिंग फ्री वाली। अपने पास ऐसे आरओ की भी फैसिलिटी है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पापा ने मस्त आरओ का पूरा जो है सिस्टम ऊपर बिठा के रखा है, तो पानी जो है चलते रहता है यहाँ पे 24/7। ये जो बॉटल भर के लेके जा रहे हैं ये 10 रुपीस का है, सोचो यहाँ पे कितना लीटर होगा पापा वो 20 लीटर ना। यहाँ पे देखो दोस्तों अगर ध्यान दो आप, कितने मूविंग क्लाउड्स है यार, मतलब मुंबई में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। क्लाउड्स देखो कैसे मूव कर रहे हैं ना, अच्छे से पता चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, रेडी हो चुका हूँ और नाश्ता भी करके हो चुका है। नाश्ता इतना टेस्टी था कि अगेन मैं दिखाया नहीं। ये देखो शोना खा रही है सुसला, वाओ विद दही, मैंने खाया मेरा खत्म भी हो गया। और यहाँ पे वो राइस की खीर खा रहा हूँ, और वहाँ पे इतना सारा कड़ी पत्ता जो इन लोग लेके आए सुबह सुबह वो रखा हुआ है। सुबह 7 बजे हम लोग विटामिन डी खा चुके हैं। सुबह 7 बजे पापा उठा के इसको लेके गए थे, मैं सुना था चल विटामिन डी खा के। सुबह लेके गए थे 7 बजे उठा दिया। ऐसे ही उधर भी खाओ डेली विटामिन डी विंडो पे बैठ के, पॉल्यूशन भी खाऊंगी साथ में। अभी आज के दिन का देखते हैं कैसे क्या होता है। आज अपने को मुंबई के लिए निकलना है, उसके पहले कुछ काम है वो करके आते हैं। दोस्तों कुछ काम था तो निकले बाहर, अभी जा रहा हूँ गोलू के साथ वो काम निपटाने डॉक्यूमेंट्स का, और उसके बाद आते टाइम आपको फोर्ट दिखाता हूँ बाहर से। यहाँ पे बाहर से गुलबर्गा फोर्ट थी, अभी दिखी थी, जाते टाइम दिखेगी तो मैं दिखाता हूँ, वैसे आवाज़ बहुत आती होगी। सोचा था कुछ काम है नहीं, बायोमेट्रिक्स आधार कार्ड पर हर 10 साल में अपडेट करना पड़ता है, तो मैंने सोचा वो अपडेट कर लो, तो बस वही आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक्स अपडेट करने आए थे। एंड अब निकलते हैं, आज जर्नी है यार। स्लीपर एसी से ट्रैवल किया ना 2-3 बार जैसे पहले करते थे, तो अब स्लीपर से तो जम ही नहीं रहा है, वही एक टेंशन है कि साफ़ सफाई कैसी रहेगी क्या रहेगी। गाइज आधार कार्ड का काम करा के और घर पे जा रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को फोर्ट दिखा दूँ। फोर्ट बाहर से देखो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, मेरे को ऐसी सब चीज़ें ना बहुत पसंद है, मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड है ऐसे सब अपने बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना तो पक्का फोर्ट विज़िट करेंगे, क्योंकि फोर्ट हम लोग एक ही बार विज़िट किए थे जब बहुत पहले आए थे। नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना गाइस तो फोर्ट के अंदर जाएंगे, एक बार फिर से आपको फोर्ट विजिट करवाऊंगा, क्योंकि बहुत पहले आए थे तब शायद किया है कि नहीं किया है मेरे को याद नहीं है। ये है गुलबर्गा फोर्ट। दोस्तों मार्केट आए गुलबर्गा क्योंकि पापा ने मेरा वीडियो देखा था जिसमें मेरे को ये बेल्ट चेंज कराना था वॉच का, तो वो बोल रहे हैं मैं वॉच का बेल्ट चेंज करा के देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर का मिलता है कि नहीं। मेरे को एक्चुअली स्टील बेल्ट डालना है ब्लैक कलर का, क्योंकि मेरे को ये पट्टे वाला अच्छा नहीं लगता है, मेरे को बहुत इचिंग होने लगती है वहाँ पे अगर पसीना वगैरह जमा होता है, तो देखते हैं गुलबर्गा मार्केट में आए। पापा यहाँ बैठे हैं वॉच के दुकान पे, उनके पहचान वाले का वॉच है। हाँ ये इसके लिए ना ब्लैक बेल्ट चाहिए था स्टील वाला। ये 20 नंबर है नहीं है, और सिल्वर गोल्ड में भी नहीं है यहाँ पे, इनके पास है ही नहीं मेरे वॉच के साइज का बेल्ट, तो अपन मुंबई में ही देखेंगे, जो मुंबई में देखा था वहाँ पे ही जाके लेट सी और चेंज करा के रहेंगे इस बार। पापा को जो वॉच गिफ्ट दिया है ना उसका वो बेल्ट छोटा कराने आए थे उनके हाथ के साइज का, हो गया छोटा
ये प्रॉपर हाथ का लग रहा है ना, ये देखो ये उल्टा परफेक्ट हाथ का लग रहा है, वो आप जो पहनते हो वो उल्टा छोटा लग रहा है। एक हाथ में चेन यशोदा का, एक हाथ में घड़ी। मार्केट से अभी जा रहे हैं वो रिपेयर के लिए, मिक्सर दिया रिपेयर के लिए वो लेना। मैं ये देखा, ये देखो कितने बड़े बड़े पाव है यार यहाँ पे। वाओ, चलो अतर का है ना ये तो। अच्छा यहाँ पे है तो सब कुछ। कल एक्चुअली मिक्सर खराब हो गया था तो पापा मिक्सर रिपेयरिंग के लिए दिए इधर ही, वो लेके फिर घर निकलेंगे मेरी शोना के पास। मेरे को तो उसकी याद आने लगती है इतनी देर में। मिक्सर और इस्त्री भी था। अच्छा चलो केबल वगैरह चेंज करके चालू हो गया। रखो इस पर डालो। ये पापा यही दुकान से रिपेयर कराते हैं हमेशा अपना मिक्सर वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैन वगैरह। गुलबर्गा में ये ऊपर है ना, क्या है फेमस इलेक्ट्रिकल्स रिपेयर। यहाँ पे फोन नंबर भी है। सही है, ठीक है। हाँ चले पापा जब इतने साल से करा रहे हैं मतलब अच्छा ही रहेगा इसीलिए। ठीक है, थैंक यू। इसका अच्छा ये भी है क्या? अच्छा हाँ, फेमस इलेक्ट्रिकल। इधर आने के लिए बोले तो एड्रेस क्या बोलने का? मोइन मार्केट टांगा स्टैंड। ठीक है, इधर लिखा है ना नसीर भाई। कार्ड ले लो, जो भी गुलबर्गा वाले अपने को देख रहे हैं यहाँ पे आ सकते हैं। चलो अभी सब्जी भी लेना है वो भी ले लेते हैं फिर निकलते हैं। मुंबई के मार्केट में एक अलग फीलिंग है और गांव के मार्केट में अलग फीलिंग है। जहां जैसे आओगे ना वहां वैसा फील मिलता है। मेरे को तो यहां अच्छा लगता है। अच्छा होलसेल ये सब किराना, इससे बड़ा उधर है। अच्छा इससे बड़ा होलसेल उधर है। बोल रहे सब होलसेल किराना वो सब का दुकान है यहाँ पे, और इससे भी बड़ा और आगे भी है। ये तो अपना गुलबर्गा मार्केट ब्लॉक बनते जा रहा है। यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है पूरा। ये वो उस तरफ से घुसते वही वाला है क्या? अपन इस बार पीछे से घुस रहे हैं ना। इधर भी मुंबई का ही भाव है। मैं भी 80 रुपए पाव ही लाया था। मैं 340 रुपए किलो लिया था अभी इधर आने के पहले। आलू 50 रुपए किलो। आलू 50 और ये इमली रखी हुई है। पापा मेथी ले रहे हैं। सही है क्या? ₹100 के 2.5 किलो कांदे, वहाँ पे ₹100 का 2 किलो था, यहाँ पे 2.5 किलो है। इमली बहुत बिकती है यार इधर मार्केट में और सस्ती मिलती है। कितना 20 का थी ना? सही है। इधर भी अपने उधर भी वही चल रहा है। मैं भी लेके आता हूँ मुंबई में, अभी ये सब का वही भाव चल रहा है। टमाटर 40 रुपए किलो है। देखो कौन कितना सारा है। ये मेन गुलबर्गा मार्केट का, यहीं से हम लोग अपन उधर से गए थे ना आगे, और यहाँ से बाहर आए ये गली से। चलो दोस्तों फाइनली शॉपिंग करके हो गया, अब घर जाते हैं। अब भूख भी लग रही है। अच्छा है गोलू ने केला लिया है, जाते से पहले 2 केला खा लूँगा। अब मिलता हूँ घर पे शोना के साथ। हमारी स्कूटी, चलो घर पे ही खाते हैं। गोलू बोल रहे खाओगे क्या केला? दूँ पापा की मेडिसिन लेने के लिए रुके यहाँ पे, मेड प्लस में उनका अकाउंट है इसलिए। तो ये पानी पूरी देख के मन हो गया पानी पूरी खाने का, वही सोच रहा हूँ खाऊँ कि नहीं खाऊँ। देखते हैं गोलू पाने दो। अभी घर जाने में और 20-25 मिनट आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि अभी पापा को भी बीच में से पिक करना है। ट्रिपल सीट होती नहीं है, मतलब बैठने नहीं होता पापा को, फिर भी आगे बीच में उनको रिक्शा वाला छोड़ेगा, वहाँ से पिक करना ही पड़ेगा। एशियन बेकरी वाला सर्कल है। चलो भाई पानी पूरी खाते हैं। 10 रुपए का प्लेट 4 और एक चपटी मिलती है यहाँ पे, सूखी को चपटी बोलते हैं। वो क्या सेव पूरी बनाए थे? सेव पूरी
कैसा है? टेस्टी है। एक एक प्लेट हुआ, चार चार पीस, एक एक प्लेट और खाते हैं, एट एट पीसेस हो जाएंगे। वाह, दोस्तों नहा धो लिया है, बस पैकिंग वगैरह करनी बाकी है। आज शाम की ट्रेन है कुछ 5:20-5:30 बजे तक की। कितने सारे आए हैं। मम्मी डर रही है क्योंकि वापस मारेंगे, और वहाँ पे मम्मी ने कुछ कुछ झाड़ लगा के रखे हैं तो वहीं पे घुस रहे हैं लोग। उधर जाओ, उधर जाओ बाबू, उधर जाओ, उस तरह अरे अरे मम्मी मम्मी ये मम्मी 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 देख देख आया देख मार बाप रे, एक दूसरे से मस्ती कर रहे वो लोग। अरे अरे हट, क्या घर के सामने गंदगी होती है ना, पता नहीं कौन है लेके आके यहाँ पे छोड़ दिए सीधा और गायब हो गए, पता नहीं कहाँ है। अपनी चीज है तो थोड़ा संभालने का भी। अजीब लोग है, कितनी सारी है। महारानी पॉटी कर दी इतना सारा, अज्जा आ गए तीनों हीरो लोग। ट्रिपल सीट इधर आधे दूर से पूरा तो बैठ के क्रैम पाता ना मेरे को हाइट की वजह से। हाँ तो यही बाहर मार्केट से पापा रिक्शा से आए शहर। अच्छा, और गए भी रिक्शे से शहर। दोस्तों जिस चटनी की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ वो भाजी आप देख लो पहले। ये है अंबाड़ी, अंबाड़ जो भी बोलते हैं यहाँ पे। इसको सुखाया है ना मम्मी धो के। कितना दिन सुखाने का, एक दिन नहीं, घंटे, एक घंटे दो घंटे, मतलब पानी निकलने तक का। वो तो तुम वीडियो बनाती बोल के बोली, इसके लिए इतना रखी हूँ। लंच कर रही हूँ, मस्त कैबेज की भाजी है, रोटी है और ये मूली है। तो दोस्तों फाइनली आपका वेट होता है खत्म। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अचार कैसे बनता है अंबाड़ी का। तो मम्मी बताते जाएगी क्या क्या चीज है और देखते जाओ कैसे बनता है, और एक बार जरूर ट्राई करना बिकॉज ये सच में बहुत यम्मी लगता है। मैंने तो बीमार होने की वजह से थोड़ा सा ही चखा है लेकिन अम्मू ने तो हर वक्त तारीफ की है। अच्छा, ये राय के तेल में ही बनाने का ना। हाँ चलेगा, मीठा तेल में भी बना सकते हैं, राय के तेल में बहुत अच्छा। हाँ ये क्या क्या है बताना मम्मी। तो ये राय है, ये सेंगदाना है, ये मेथी है, ये सब अच्छी खुशबू आती है। हाँ खुशबू अच्छी आती है। धनिया, जीरा, मिर्ची, बस इतना ही। और कुछ नहीं, लहसुन और लहसुन बस। और ये अपनी अंबाड़ी की भाजी। पहले अपन कढ़ाई में थोड़ा वो तेल डाल देंगे। हाँ तेल डाल के सबको थोड़ा थोड़ा भूलना है, जल जाएगा ना। गैस पे थोड़ा हल्का सा ये करके, अगर ज्यादा बनाना है तो आप लोग ज्यादा ज्यादा थोड़ा मसाला डाल सकते हैं। लेकिन मेरा क्या हुआ है, भाजी जो है ना दो दिन हुआ है सूख रही है। तो उसके जैसे कम हो गई ना। कम हो गई है, ये 5 गट्टी भाजी थी, 5 गट्टे से आधी हो गई है। सब अलग अलग ही भूजने का मम्मी, एक साथ नहीं भूज सकते। एक साथ में कोई भूज जाता, कोई नहीं भूजता। इतना स्टोर रखा है गैस, उसी पे फ्राई किया मम्मी। वापस से तेल डाल रहे हैं। पानी रहेगा भाजी में तो दिक्कत हो जाएगी। ये भाजी को जब भी वॉश करते हैं उसके बाद में 1-2 घंटे सुखाने के लिए रखने का, ताकि पानी पूरा निकल जाए। उसके बाद में ये तेल में इसको अच्छे से भूनना है। जलाना नहीं है बिल्कुल भी, पूरा भाजी का कलर चेंज हो जाना है ऐसे एकदम। भूज लिया है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है। 2 महीने तक खा सकते हैं ना लास्ट। आराम से खा सकते हैं। और आई थिंक इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना हमें। स्वाद अनुसार एक है भाजी में हल्दी जाएगी, थोड़ा सा थोड़ा सा। अच्छा हल्दी बोलते हैं जो भी सुहागन औरत रहती है ना, तो बिना हल्दी का नहीं बनाना ऐसा बोलते। अच्छा मतलब तुम्हारी दादी बोलती थी ऐसा। अच्छा खुशबू ही मस्त लग रही है। ऐसे कुछ आपको पीस के निकालना है, ऐसे पीसना है। भाजी में अपन ने थोड़ा सा हल्दी डाला था, नमक डाल रहे हैं। देखो ये ऐसे रहता है पूरा। आज इतना खास नहीं लगेगा, कल खाओ परसों खाओ, देखो
क्या डाला मम्मी उसमें? हींग है, हींग है हाँ। ये लहसुन डाला, लहसुन डाल दिया हाँ। ये हींग और लहसुन गाढ़ा तेल में पूरा भाजी जाएगा। खट्टी तीखी लगती है इसलिए बेहतरीन लगती है ना, खट्टी और तीखी। चलो बस ऐसे ढक के रखना है, दैट्स इट। ठीक नहीं था, तेल चाहिए हाँ। तो थोड़ा गरम करके डाल सकते हैं। बस यही थी रेसिपी दोस्तों, हमने तो आपको न्यूज दी ही नहीं, हमारी ट्रेन लेट है, वो भी 4 घंटे लेट है। बोलो, यहाँ आते आते 2-3 घंटा तो होगी। जब वहाँ से आती है ना लेट तो दिमाग खराब होता है, अब यहाँ से लेट है तो कोई नहीं है, चिल है, आराम से निकलेंगे खाना वाना खा के मस्त में। वैसे भी ट्रेन में क्या ही करना था, अब मस्त यहाँ से निकलेंगे और जाके सीधा सो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट तो लेट, बस मुंबई जल्दी पहुँचा दे, बिकॉज बहुत सारे काम अटक जाते हैं ना। ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके होंगे ये अप्पे बनाने वाला। ये मैंने मम्मी को वापस दे दिया था कि मैंने ये बनाऊंगी करके, बट देन अभी रिसेंटली कुक ने बोला है कि वो बनाएगी, उसको आता है, तो सोचूं लेके जाऊं। एंड पहले दिन हम बस ट्राई करेंगे कि कुक कैसे बनाती है, उसके बाद में मम्मी ने रेसिपी बताई है तो फिर मैं वो सजेस्ट करूँगी कि वैसे बनाना। और मम्मी ने बोला कि अगर वैसा वाला बनाया ना तो अमित फिर खाते ही रह जाएगा। पर मैं तो एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तुम चुप बैठो यार, एक्सरसाइज पता नहीं तो जब खाऊंगा और एक्सरसाइज करेगा कितने, पता नहीं बचपन से सुन रही हूँ एक्सरसाइज ही कर रहा है, अभी तक नहीं एक्सरसाइज इसकी खत्म हुई है। दोस्तों टाइम टू गो, बस 2 ही लगेज है, निकल रहे हम लोग। आई पापा मिलते हैं जल्दी। अच्छा बेटा, थोड़ा सर्दी हो गया। कौन कर रही है? प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ दोस्तों, मैं और गोलू आ गए अभी, अम्मू को लेने के लिए गोलू गया है तो बस वो भी थोड़ी देर में आता होगा। जाते वक्त ना एकदम ऐसे इमोशंस इतने भर जाते हैं ना कि क्या बोलूँ। आई नो, मुझे जब मैं 9 साल की थी तब से मुझे आदत है मम्मी पापा से सेपरेट होने की, बट स्टिल वो बोलते हैं ना कितने भी आप बड़े हो जाओ लेकिन जब भी आप आपके पेरेंट्स से अलग हो रहे होते हो, मतलब अलग जा रहे होते हो कहीं, तो वो तकलीफ और वो रहता ही है। चलो अभी आता होगा मुँह थोड़ी देर में, वेट कर रही हूँ मैं यहीं पे, मैं लेके नहीं जा रही हूँ बिकॉज ये दोनों लगेज है और मैं उठा नहीं पाऊंगी। गोलू भी जा रहा है दोस्तों और हम भी प्लेटफॉर्म पे आ गए, अम्मू भी आ गए, बाय। तो थोड़ा इमोशनल लग रहा है यार गोलू ना, गोलू भी मुझे नहीं इमोशनल लग रहा है। मतलब हर बार आते थे ऐसा जाने का थोड़ा खुशी रहता था, इस बार थोड़ा ऐसा लग रहा है और रुक जाते, कम दिन के लिए आए थे ना, सारी गलती मेरी है। और पापा भी रिटायर हो गए थे, ऐसे पापा भी घर पे है तो और टाइम मिलता है, और मजा आता है बातें करते थे। चलो कोई नहीं, फिर से आ जाएंगे। मैं तो निकलते वक्त वैसे भी ज्यादा टाइम रुकती नहीं हूँ क्योंकि फिर इमोशनल नहीं अच्छा लगता है, ऐसे फट में ही निकलने का दोस्तों। हाँ। कभी ऐसा रहे ना, आपके मम्मी पापा को रोने की आदत हो तो फट में निकल जाने का, और अपने मम्मी पापा को देखो ही मत उनकी तरह। रो देंगे नहीं तो। चलो तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, ट्रेन आती होगी अभी तो, हमारी ट्रेन बस आने वाली है दोस्तों। हम एग्जैक्ट डब्बे के इधर ही बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसे हम लोग एग्जैक्ट डब्बे के इधर ही बैठ गए। बस तुम्हारे पति का कॉमन सेंस बहुत सही है, कभी क्रेडिट भी दे दिया करो भाग्यवान। मेरे पति का कॉमन सेंस बहुत सही है दोस्तों, बस आजकल बड़ी मजाक है। पानी जैसे ही आएगा ना 2 बॉटल प्लीज लेके रखे बात। चलो चलो दोस्तों, मिल चुकी है ट्रेन और बज रहा है कुछ 9, मतलब इतनी लेट है, बट चलो कोई नहीं, आवाज़ नहीं आती होगी। दोस्तों ये भाई साहब इतने लंबे हैं, इतना पीछे है वहाँ पे आ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी उसका पैर यहाँ पे लटक रहा है एंड सब उसको बोलते पैर अंदर लो, पैर अंदर लो। क्या करेगा बेचारा, पैर तो लटकेगा ही ना बाहर, इतना लंबा जो है। एसी में नहीं लटका था ना पैर? नहीं ना, मतलब जनरल में इसका पैर लटकता है, इसके साइज की नहीं है सीट। दोस्तों ट्रेन 2 घंटे ही लेट है, कब तक पहुँचेंगे? 5:30
5:30 तक पहुँच जाएंगे। पुणे आए हैं, बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के आए थे 8 बजे को, 7:30 बजे, तो उसके बाद कुछ खाया ही नहीं है। तो अभी हम उन्हें पुणे में चिप्स लिया है। कितना सा चिप्स है? 20 रुपये वाले, तो बस वही खा रहे हैं। 6:30 हो रहा है दोस्तों, ऑल सेट उतरने के लिए। 2 घंटे लेट तक रहे हैं यहाँ पहुँचने को, बट हमको फ़ायदा हो गया 1 घंटे में। पहुंच गए दोस्तों मुंबई। मुंबई को हम छोड़ के तो इस तरीके से नहीं गए थे, इतनी बारिश है यहाँ पे। ऐसा ही नहीं, वैसे ही बारिश है। कितनी बारिश है,